हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेरेस गार्डनिंग में और आज की इस वीडियो में। तो गाइस, मैं आज आपसे डहलिया के प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम आज इसकी प्रूनिंग करेंगे। इस प्लांट के आप देख सकते हो, इसको मेरी पूरी ग्रोथ रुक चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको काटेंगे। आप अपनी कैंची को किसी सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर ले, ताकि इसमें फंगस लगने का डर ना रहे। हम इसकी कटिंग भी ग्रो करेंगे। चलिए काटते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हो ये नोट दिखाई दे रहे हैं, ये तो ये हम काट दे रहे हैं, आप देख सकते हो ये। इसमें कुछ न्यू शूट्स भी निकलेंगे। वैसे तो हमारा ये सेव भी हो जाएगा प्लांट, और इसमें न्यू ग्रोथ भी आ जाएगी। तो ये देखिए आप, ये हम इसमें थोड़ी लीफ छोड़ दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं कि इसका सीजन चला गया, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हो सकता है। तो अभी ग्रोथ आने के बाद इसमें एक बार और फ्लावरिंग हो सकती है, क्योंकि अभी इसमें अप्रैल का महीना बाकी है। तो हम इसमें क्या डालेंगे, हमें इसकी घुड़ाई करनी है। तो घुड़ाई करेंगे हम इसकी। तो ये रहा, हम इससे घुड़ाई करेंगे। मिट्टी थोड़ी हार्ड है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसमें क्या गोबर की खाद ऐड करेंगे, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये हमने मिट्टी इसकी भुरभुरी कर ली, अब हम इसमें गोबर की खाद ऐड करेंगे। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये देख सकते हो मेरे पास ये फुल डी कंपोस्ट गोबर की खाद है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक एक मुट्ठी भर के, इसमें एक एक मुट्ठी भर के इसमें हम दबा देंगे यहाँ पर, और इस पर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो ये हम इधर से भी कर देंगे। ये तो हम इसको भी दबा देंगे। तो ये तो हमारे पौधे की एकदम परफेक्टली वो हो जाएगी ग्रोथ। तो ये हमने इसमें कर दिया, और कुछ इस क्रोटन में भी पटक देते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं क्रोटन में। तो ये हमने इनमें भी डाल दिए। तो ये वैसे तो हमारे पौधे के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं हो पा रही है इनकी भी। थोड़ा कम कर लेते हैं, हम इसमें डाल देते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दी ये। तो ये तो हमारा हो गया, अब इसमें देखते हैं कैसी ग्रोथ निकल के आती है। अभी हम जो नोड है ना, जो हमने काटे हैं, इनमें क्या फंजीसाइड पाउडर लगाएंगे, ताकि इनमें फंगस क्रिएट ना हो। तो इनमें फंजीसाइड पाउडर लगाएंगे। और इधर ये मेरे गजानिया देख सकते हो, कितना चबलूम हो रहा है, अभी फूल नहीं खिले लेकिन अभी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।